हाय फ्रेंड्स, आज हम नीट 30 इयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम 53 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। और टॉपिक फर्स्ट में हम 13 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और अब इस वीडियो में हम सेकेंड वीडियो में हम टॉपिक टू से जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड। इनसे पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 14 है, mechanism of a hypothetical reaction, x2 plus y2 2xy is given below। यहाँ questions में hypothetical reactions दिए गए हैं, उनके mechanism दिए गए हैं, और first जो है वो है x2 product x plus x fast, second x plus y2 product xy plus y slow, third x plus y product xy fast, the overall order of the reaction will be। तो ओवरऑल ऑर्डर इसका ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो आपको पता ही है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम फास्ट जो रिएक्शन हुए रहते हैं उन्हें नहीं लेते, जो स्लो हुए रहते हैं हम उन रिएक्शंस को लेते हैं। तो हम ऑप्शन सेकंड जो है हम उन्हें लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओवरऑल ऑर्डर इसका क्या होगा, 1.5। तो सॉल्यूशन हम इसका देख सकते हैं, the overall reaction rate depend on the rate of the slowest step, हम slowest step को लेंगे, और overall rate equal to rate of slowest step equal to kxy2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो second वाला है वो slow था, और x plus y2 reactant को हम reactant का concentration लेते हैं, तो x plus y2, तो k equal to rate constant, assuming step 1 to be reversible, its equilibrium constant, k equivalent equal to x to power 2 upon x2, x to power 2 equal to k equivalent x2। तो x to power 2 हमें यहां से ये पता चल जाता है कि k equivalent जो होता है वो x2 होता है। यहां पे equilibrium constant को हम लिए हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो इसके लिए हमने इसे लिया और इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू k इक्विवेलेंट, जब हम यहाँ x के पावर 2 है और इक्वल टू k इक्विवेलेंट x2 है, और जब इसके पावर को जो पावर 2 में है x के उसे उस साइड भेजेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा दोनों के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट था k x y 2, x का कंसंट्रेशन y 2 का कंसंट्रेशन वहां पे हमने लिखा था, और दोनों इक्वेशंस को लेने पर रेट इक्वल टू k इक्विवेलेंट 1/2 x2 1/2 y2। तो ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन 15, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ 10^-2 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, रेट कॉन्स्टेंट इसका जो है वो है 10^-2 पर सेकेंड, हाउ मच कितना टाइम लगेगा विल इट टेक फॉर 20 ग्राम रिएक्टेंट्स को रिड्यूस होने में 5 ग्राम होने में, 20 ग्राम रिएक्टेंट को 5 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम पूछा हुआ है, तो इसे हम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट इनिशियली और अपॉन टी टाइम के बाद। तो यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं, क्योंकि k का वैल्यू हमें पता है, टी का वैल्यू हमें पता करना है, इक्वल टू 2.303 अपॉन टी का वैल्यू पता करना है, और लॉग 20 जो कि इनिशियली था, और अब टाइम जो कि क्वेश्चन में पूछा है उस कितने टाइम बाद वो 5 ग्राम हुआ, तो अपॉन 5 ग्राम करेंगे 20/5, और वहां से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट सॉल्व करने पे। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ टाइम 0.693 upon t power minus 2, second t half time also for the reduction of 20 gram or reactant to 5 gram
2 half-lives will be required for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram time taken. T equal to 2 into 0.693 upon T k power minus 2 second 138.6 second. हम इस क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और हाफ लाइफ से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे 20 से उसे 10 होने में एक हाफ लाइफ लगा और फिर 10 से 5 होने में दो हाफ लाइफ लगा, इसलिए हम इसे 2 से इंटू कर देते हैं और वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और उस फॉर्मूला से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन 16, द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 सेकेंड. After initiation of the reaction, the half-life period of the reaction is. तो the rate of first order reaction है जिसका कि 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 10 सेकेंड. 10 सेकेंड पे ये था और 20 सेकेंड पे 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड था उसका रेट उसका 10 सेकेंड पे 0.04 था और 20 सेकेंड पे 0.03 था. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा. तो इसका सॉल्व करने के लिए हम के का वैल्यू निकालेंगे और के का वैल्यू निकालने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पहले 0.04 रखेंगे और वहां से 10 सेकेंड और वहां से हम इसका आंसर निकाल लेंगे. तो इसका आंसर आता है 24.1 सेकेंड. ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी टू माइनस टी वन लॉग ए माइनस एक्स वन अपॉन ए माइनस एक्स टू. के इक्वल टू 2.303 20 माइनस 10 लॉग 0.04 अपॉन 0.03. सॉल्व करेंगे के इक्वल टू 2.303 इंटू 0.1249 अपॉन 10 0.693 टी हाफ टाइम इक्वल टू के. तो के का वैल्यू है 2.303 इंटू 0.1249 अपॉन 10. तो टी हाफ टाइम निकालने पर 24.1 सेकेंड. व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन, क्वेश्चन 17, व्हेन जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल्ड इन अ रिएक्शन. रिएक्शन में जब उसे डबल किया जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन को, तो इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड. हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो वो कौन सा ऑर्डर है. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है टी हाफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए कंसंट्रेशन ए की पावर 1 माइनस एन, और एन जो है वो ऑर्डर है. तो इससे हम देख सकते हैं टी हाफ टाइम ए 1 की पावर 1 माइनस एन. तो एन को अगर हम जीरो रखेंगे तो भी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कुछ करता है, और अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का वो रिएक्शन हो 1 एन की जगह 1 रखें तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब वो डिपेंड नहीं करता. तो इसका ऑप्शन क्या होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्वेश्चन 17 ए, टी हाफ टाइम इक्वल टू 0.693 अपॉन के फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ए रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 2 hours एंड 75% इज कंप्लीटेड इन 4 hours. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो वो कौन सा ऑर्डर का है. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले के का वैल्यू निकाल सकते हैं. के का वैल्यू निकालेंगे और अगर दोनों में के का वैल्यू सेम है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, और वहां से हम बता सकते हैं जब दोनों की वैल्यू के सेम रहेंगे तो वहां से बता देंगे कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, और सेम है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसमें दोनों के सेम के वैल्यू रहते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी 75% इक्वल टू 2 इंटू टी 50%, क्योंकि हर 25% पे वो 2
बढ़ रहा है, और जब 75% होता है तो वो 4 हो जाता है, और 50% था वो 2 था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन 19, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 3। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, द रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। ए जो है वो सेकेंड ऑर्डर का है और बी जो है वो थर्ड ऑर्डर का है, तो जब उनके कंसंट्रेशन डबल किए जाएंगे तो फैक्टर उनका कितना, रेट ऑफ फैक्टर कितना इंक्रीज होगा, रेट कितना इंक्रीज होगा। तो अगर वो सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, तो 8 4 32। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी रेट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट फर्स्ट का के ए टू बी के पावर 3 ए के पावर 2 बी के पावर 3, ये जो है सेकेंड ऑर्डर का है, बी थर्ड ऑर्डर का। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल देन रेट 2 इक्वल टू के 2 ए के पावर 2 2 बी के पावर 3 इक्वल टू 32 के ए के पावर 2 बी के पावर 3, रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 32। क्वेश्चन 20, इनफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज of temperature the rate is doubled. If the temperature is increased from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius the rate of the reaction will become. Zero order reaction है और 10% जब rise किया जाता है temperature तो rate जो है वो double हो जाता है. If the temperature is increased from 10 degree to 100 degree Celsius अगर हम उसे बढ़ा दें तो rate of reaction will कितना increase होगा, तो उसके लिए हर 10 degree पे तो 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में 9 टाइम्स, तो 2 के पावर 9 करेंगे, 2 के पावर 9 टाइम्स करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 512 टाइम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हम देख सकते हैं आर 100 डिग्री सेल्सियस अपॉन आर 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2 के पावर 100 माइनस 10 अपॉन 10 मतलब 90 अपॉन 10, तो कितने में 9, 2 की पावर 9 इक्वल टू 512 टाइम्स। तो वैसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि जब 10 डिग्री राइज करने पे वो डबल हो रहा है तो 100 डिग्री राइज करने पे तो 10 कितने बार हुआ, 9 टाइम्स। हम 10 को ऐसे से 9 टाइम्स किए तब तो वो 100 पहुंचा, तो वैसे भी हम 2 की पावर 9 कर सकते हैं और वहां से फिर आंसर ला सकते हैं। आप इसे भी याद कर सकते हैं, सिंपल रहेगा आपके लिए। ओके, क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ए, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। बी, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। ऑप्शन सी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ए जो है वो करेक्ट है, हाँ हम एक्सपेरिमेंटली जिसे करते हैं उसे डिटरमाइन करते हैं, ऑर्डर को हम वैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ए इज करेक्ट, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑप्शन बी वो भी करेक्ट है कि हाँ जो रिएक्टेंट्स भी लिखे रहते हैं हम उन्हें नहीं लेते हैं, हम इसे एक्सपेरिमेंटली करते हैं। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहते हैं हम उन्हें नहीं ऑर्डर में लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर, हाँ हम सभी कंसंट्रेशन पे जो पावर भी रहते हैं रिएक्टेंट्स पे वो सभी को हम एड अप कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वो भी सही है। ऑप्शन डी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, नहीं वो हमेशा होल नंबर में नहीं होता, वो अलग अलग नंबर्स में भी 1, 1.5, 1.2 इस तरह के भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन डी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, होल नंबर और फ्रैक्शनल, ये जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्वेश्चन 22, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो आप जानते हैं रेट इक्वल टू के रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की पावर जीरो जब रहेगा तो वो जीरो हो गया, और कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोल पर लीटर,
सो मोल पर लीटर जीरो हो गया तो रेट कांस्टेंट वही होगा जो रेट होगा, इसलिए मोल पर लीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेट इक्वल टू के एक पार्ट जीरो, क्योंकि ऑर्डर जो था वो जीरो था, यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 23, ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a प्लस बी प्रोडक्ट c प्लस डी फॉलोइंग रिजल्ट्स वेयर ऑप्टेन, जो कि प्राप्त किए गए हैं काइनेटिक स्टडी करने पे के दौरान ये रिजल्ट्स प्राप्त किए गए हैं परिणाम रन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ए मोल पर लीटर,